भाई जी गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये जज नहीं कर पा रहा इसमें पानी कितना है, खड्डा कितना है। जो कितना मुश्किल से आ रही गाड़ी, इसका टायर पूरा डूब रहा है, अंदर तक का जा रहा है। गाइस पार्सल मैंने पिकअप कर लिया हूँ, चलते फटाफट गाड़ी निकालते और निकलते हैं ड्रॉप लोकेशन पे, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। गाइस अपना जो पार्सल है वहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है और अपने को पेमेंट भी आ गया है, ट्रिप को हम लोग फटाफट से कर देते हैं एंड। तो गाइस पार्सल लेके मैं पहुँच गया हूँ हीरा नंदानी गैलेरिया मॉल। गाइस पार्सल डिलीवर करने के बाद में मैं ट्रिप को करने जा रहा हूँ एंड। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं FTC चैनल। आज है मंगलवार और हम लोग आज फील्ड पे निकले हैं। 20 अगस्त का दिन है आज और टाइम हो रहा है 11:30 बज रहा है और फटाफट से मैं आपको मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर लगा है कहाँ से कहाँ तक है और कितने रुपए की ट्रिप है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और हम लोगों ने पिकअप भी उठा लिया है, इससे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लज़ी सक्कर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं हम लोग को कहाँ से कहाँ तक का ऑर्डर लगा है। एक्चुअली छोटा ऑर्डर उठाया बिकॉज कोई बड़ा ऑर्डर मिल नहीं रहा था, 2 दिन ऑर्डर मिस किया, मगर कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला तो मैं बोला चलिए उठा लेता हूँ, एटलीस्ट फील्ड पे निकल जाऊँगा एक बार बाहर, तो उसके बाद में देख लेंगे कोई भी बाहर के बड़े बड़े ऑर्डर उठा लेंगे। टाइम हो गया 11:35 और 142 का ऑर्डर है जो कि चांदीवली पवोई से और ड्रॉप जो इसका है कुरला। और पिकअप मैंने उठा लिया हूँ, ये है चिकन मतलब मुर्गी का मटन है, ठीक है। ट्रिप को करते हैं फटाफट से स्टार्ट और देखते हैं यहाँ से हम लोग को कितना दूर जाना है। अपने को जाना है कुरला, KC VKC बहुत कुछ लिखा है, अपने को लोकेशन देखते हुए जाना है, 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से। फटाफट चलते और करते हैं ट्रिप को कंप्लीट। सो गाइज अभी हम लोग पहुँच गए कलीना, पार्सल मेरे हाथ में चिकन का, किचन में जाता हूँ और देख के फिर उसके बाद में बाजू में चले जाएंगे हम लोग। सो गाइज फर्स्ट पार्सल जो था वो ट्रूथ ट्रम करके कोई होटल है वहाँ पे मैंने डिलीवर किया हूँ। और एक और चिकन का जो पैकेट है उसको बाजू में देना है, मतलब इसके बाजू में ही वहाँ जाके देंगे, फटाफट वो देखे फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पहला पार्सल हम लोग ने ट्रूथ ट्रम में दिया है और दूसरा पार्सल ये कुछ क्लियो करके लिखा है यहाँ पे देना है, तो फटाफट चलते यहाँ पे भी देके फिर मैं मिलता हूँ। हमारा जो सेकंड पार्सल था वो हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवर किया है किचन में और यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर बैठते हैं जब तक अपने को पेमेंट नहीं मिलती। तो गाइस फटाफट कस्टमर से बात करते और उनको बता देते कि आपके जो दोनों पार्सल थे वो दोनों भी डिलीवर कर दिया हूँ मैं। हाँ हेलो, हाँ पोर्टर से बात कर रहा हूँ, ये आपका दोनों भी पार्सल जो था ना ट्रूथ ट्रम और ये दे दिया मैंने दोनों जगह पे, तो उसका पेमेंट आप करोगे ना? नहीं नहीं मैं आपको स्कैनर भेजता व्हाट्सएप। तो कस्टमर ने बोल दिया स्कैनर भेजो, जैसे ही स्कैनर भेजूंगा पेमेंट आ जाएगा, ट्रिप को एंड करेंगे उसके बाद में दूसरी ट्रिप पे जाएंगे हम लोग। तो गाइस पेमेंट आ गया अपने को, तो फटाफट से ट्रिप को करते हैं हम लोग एंड और देखते हैं यहाँ से कोई अच्छी ट्रिप आती है तो मैं आपको बताता हूँ। 142 रुपये हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, 3 स्टार दे देते, देखते अभी कोई अच्छी ट्रिप आती है तो मैं आपको बताता हूँ। आज भी पता नहीं शायद मार्केट में ऑर्डर फ्लो किस तरह से है, अगर अच्छा खासा फ्लो रहेगा तो हम लोग आज भी कमा लेंगे, लेकिन आज ऑलरेडी मैं इतना लेट निकला हूँ, 11:15 बज गया था निकलते निकलते, तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा कमा पाएंगे हम लोग। फिर भी 1000 का टारगेट लेके चलते, 1100 का टारगेट लेके चलते और एंड ऑफ द डे तक का मैं बताता हूँ आपको कितना कमाया हम लोगों ने। कोई अच्छी बड़ी ट्रिप लग नहीं रही है, छोटी छोटी ट्रिप आ रही है तो उसमें क्या कमा लेंगे गाइस हम लोग, एटलीस्ट 200-250 की भी आएगी तो उसमें से कमीशन कट के आप अच्छा खासा कुछ अमाउंट मिलेगा। बट यहाँ पे साला 100-120-150 की ऑर्डर आ रहे तो उसमें मैं क्या ऑर्डर मारूंगा, टाइम वेस्ट कितना आएगा, पोर्टर को कितना कमीशन जाएगा, मुझे क्या मिलेगा उसमें। तो मैं ये सोच के वेट कर रहा हूँ कोई अच्छी बड़ी ट्रिप आने का, ठीक है। जो भी ट्रिप आती है मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल आप बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे रहेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरा वीडियो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपके डिलीवरी फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करो, ठीक है। मिलता हो फिर जैसे ही ऑर्डर आएगा फिर मैं आपको बताता हूँ। एक पार्सल उठाया हूँ गाइस, बड़ा है, 330 का है और थाने लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। पिकअप लोकेशन एक बार देख लेते हैं। फिलहाल मैं सांता क्रूज में खड़ा हूँ और ये आया है CST BKC से, एक बार देख लेते हैं यहाँ से, ये मेरे को लगता है इसका जो पिकअप लोकेशन रहेगा। 30 रुपया कंपनी ने एक्स्ट्रा भी दिया है, 1.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, मैंने बताया ना गाइस आपको अपना जो पिकअप लोकेशन है वो यहीं पे से, ठीक है। चलते हैं फटाफट और करते हैं पिकअप। उससे पहले मैं सोच रहा एक बार कस्टमर से बात कर लूँ, नहीं तो पता चला वहाँ पहुँचा और कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। हेलो, हाँ पोर्टर से बात कर रहा हूँ। अच्छा किसी और ने बुक करवाया क्या? तो मैं लोकेशन पे पहुँच जाऊँ ना? ठीक है जल्दी कर। पार्सल हम लोगों ने उठा लिया है, पता नहीं ये क्या है, ठीक है। ट्रिप को फटफट करते स्टार्ट कर दिया और ट्रिप को, और पार्सल मैंने यहाँ से उठाया
और फटाफट से करते हैं ट्रिप को स्टार्ट और देखते हैं यहाँ से कितना दूर है। 27 किलोमीटर दूर, एक घंटे का रास्ता है। फटाफट चलते करते हैं ट्रिप को कंप्लीट। सो गाइस, थाने पहुँच गया हूँ और यहाँ से अपना जो ड्रॉप लोकेशन है वो सिर्फ है 1.5 से 2 किलोमीटर दूर। और ऐसा लग रहा है गाइस मैं गाँव में आ गया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो ऐसा लग रहा है कोई, और इसी तरह रहता है गाँव का रास्ता भी, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता है। मतलब ये जैसा है वहाँ पे होते खड़बुड़ खड़बुड़ रास्ते होते, लेकिन ये कैसा ही रास्ता थोड़ा अच्छा है। लेकिन गांव का सेम टू सेम ऐसा ही रहता है लोकेशन एंड व्यू, बहुत बहुत दूर दूर तक का कुछ रहता ही नहीं है, सिर्फ रोड दिखेगी, फिर रोड ख़त्म होएगा तो एक गांव आएगा और फिर वो गांव के आगे थोड़ा और आगे जाएंगे फिर वापस से रोड आ जाएगी। इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे रास्ता भी इतना कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, जैसा कि इतने से रास्ते से दो दो गाड़ी अगर आ गई तो फंस जाएगी, एक को साइड देना पड़ेगा और दूसरा फिर उसके बाद में निकलेगा, फिर पहला वाला जाएगा। तो जा रहे अभी हम लोग अपने ड्रॉप लोकेशन पे, और मैं सोचा था कि थाने लोकेशन में है लेकिन ये तो थोड़ा सा और अंदर भी आ गया गाइस, ये जो ड्रॉप लोकेशन है ना अपना ये थोड़ा सा अंदर आ गया, ऐसा लग रहा है भिवंडी मेरे बाजू में है यहाँ पे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अभी ये पार्सल देने के बाद में मुझे यहाँ तो कुछ जंगल में कोई ऑर्डर मिलेगा नहीं, आपको भी दिख रहा है आजू बाजू में सब जंगल है और पाइप है, तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ एक तो थाने चले जाओ या तो फिर भिवंडी चले जाओ, दोनों में से एक देखते हैं। अभी जो भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ, मेरे राइट साइड पे थाने है और लेफ्ट मारूंगा तो भिवंडी आ जाएगा। पहले ये पार्सल देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और मॉर्निंग से टिप 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 बारिश भी हो रही है, जैसा कि आप रोड सब देख रहे हो पूरा एकदम गिल्ला हो गया और हल्की हल्की अभी भी बारिश चल रही है। बारिश में थोड़ा तकलीफ होती है डिलीवरी में, लेकिन मोटर वाला पैसा भी अच्छा देता है बारिश में, तो उसका एक बेनिफिट यही है बस बारिश का, बाकी कुछ नहीं। ठीक है चलो, मिलता हूँ मैं आपको ड्रॉप लोकेशन पे, कहाँ पे देना है उसके बाद में आपको वहाँ पे बताता हूँ। अपना ड्रॉप गाइज यही लोकेशन पे है, मतलब ये ऐसे जंगल टाइप में मैं पहली बार आ रहा हूँ ड्रॉप करने के लिए, और यहाँ पे तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कुछ घर भी। देखते हैं हम लोग अंदर जाके क्या है क्या नहीं। यहाँ पे एक दो अच्छा गैरेज दिख रहा है अंदर, ये जंगल में भी गैरेज भी है, बाप रे बाप। फटाफट चलते हैं गाइस और ड्रॉप करते हैं, हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस अपने को एक ऑर्डर आ गया है, ये वाला पार्सल हम लोगों ने ये गैरेज पे डिलीवर किया है, और उसके बाद में ये पार्सल आया है अपने को भिवंडी से पिकअप है और नवी मुंबई लेके जाना है। पिकअप लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर आ गया गाइस, 6 किलोमीटर दूर है, 13 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। फटाफट से चलते करते पिकअप। थोड़ी सी क्या बारिश क्या हुई गाइस, भिवंडी पूरा पानी से भर गया, देख सकते हो आप लोग। अभी मैं वहाँ से आया ना, पूरा मेरी आधे से ज़्यादा टायर डूब गया था, देखो वो बंदे का भी टायर डूबा हुआ है देखिए। तो ये भिवंडी का ये हाल है, देखो देख सकते हो। अपने को आई थिंक जाना है इसके ऊपर पार्सल लेके, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और ऐसा लग रहा है ना गाइस बारिश आज मजबूत पकड़ ली है और एंड ऑफ द डे तक आने वाली, तो रेनकोट मैंने पहन लिया हूँ, देखते हैं अभी रुकती क्या नहीं रुकती है, जो भी है अपने को तो ऑर्डर मारना ही है। फटाफट में जाता हूँ पहले पार्सल लेके आता हूँ। गाइस जो है 250 रुपये का ऑर्डर है भिवंडी से नवी मुंबई, वो मैंने उठा लिया हूँ, इसमें कुछ मेडिसिन है और मैं ये फार्मा से उठाया हूँ। तो देखते हैं अभी यहाँ से हम लोग नवी मुंबई का लोकेशन कितना दूर है, 21 किलोमीटर दूर है और 47 मिनट का रास्ता है गाइस, फटाफट चलते। और साथ में मैं सोच रहा एक आध ब्रेकफास्ट मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, देखते हैं अगर मिल गया तो अच्छी बात है नवी मुंबई का, नहीं तो फिर हम लोग निकल जाएंगे और क्या। ठीक है यही पार्सल लेके निकलते हैं, बिकॉज आज बारिश भी मजबूत हो रही है और हमारी गाड़ी वो रही, फटाफट चलते पार्सल लेते और निकलते। ये पूरा एक इंडस्ट्री एरिया है जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे सब गाला, बाप रे आज बिजली भी कड़क रही, मजबूत तूफान वाली बारिश होने वाली लग रहा है। तो ये सब इंडस्ट्री है जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे सब कारखाने और यहाँ पे मजबूत वाला पानी भी भर गया है, पूरा पानी भर गया है मजबूत वाला। यहाँ से मैं कैसा कैसा डर डर के आया मालूम है क्या गाड़ी से, यहाँ से जहाँ पे भी कहीं पे जब पानी रहता है ना तो हम लोग जज नहीं कर पाते कि यहाँ खड्डा है या नहीं है, कैसे जाना है, तो अभी आपको मैं आगे बताता हूँ। देखो गाइस ये गाड़ी आ रही है, ठीक है ये जज नहीं कर पा रहा इसमें पानी कितना है खड्डा कितना है, जो कितना मुश्किल से आ रही गाड़ी, इसका टायर पूरा डूब रहा है अंदर तक का जा रहा है, तो पानी में ये शॉर्ट होता है। अभी देखो ये रिक्शा वाला भी आने के लिए डरेगा, लेकिन जब कस्टमर बोलेगा कि भाई आपको चलना पड़ेगा आगे तक
तो उसको आना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो गाइस पार्सल मैंने पिकअप कर लिया हूँ, चलते फटाफट गाड़ी निकालते और निकलते हैं ड्रॉप लोकेशन पे जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो गाइस पार्सल निकालते हैं और ड्रॉप अपने को यहाँ करना है। अभी मैं फिलहाल पहुँच गया हूँ नवी मुंबई में, यही शॉप पे अपने को ड्रॉप करना है, ड्रॉप करके मिलता हूँ। 250 रुपये का ऑर्डर है और पिकअप लोकेशन है ना थोड़ा, ये भी ज़्यादा दूर है। पता नहीं आज पोर्टर को क्या हो गया है, दूर दूर के लोकेशन दे रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने उठा लिए तो अपने को जाना तो पड़ेगा गाइस। तो फटाफट चलते हैं ये लोकेशन पे और उसके बाद में, ये एक्चुअली है अपने एरिया का ही ऑर्डर है, मतलब समझ लो पवई का ही ऑर्डर है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से पहले पिकअप कर लेते हैं, उससे पहले सोच रहा है एक बार कस्टमर से बात कर लूँ। तो गाइस मैंने कस्टमर को कॉल लगाया था बट रिंगिंग हो रहा है, कस्टमर पिकअप नहीं कर रहा है कॉल। तो फटाफट हम लोग पहुँच जाते पिकअप लोकेशन पर पहुँच जाते। आई थिंक इसका कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ दे दिया हो तो कब का दे दिया, उसका पेमेंट नहीं मिल गया कल। हाँ पैसा आपका क्या हमेशा रहता है पार्सल वही लोकेशन का, बैंड्रा का, सांता क्रूज का ना। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग सुबह में क्या? हाँ मुझे कॉल करो ना, मैं भी एक्चुअली चांदी वाली में ही रहता हूँ ना। तो ये कस्टमर का जो अपना जो चिकन लेके गया था ना, मैं सांता क्रूज वो कस्टमर था, तो उसको भी मैंने प्राइवेट कर लिया हूँ। मतलब अभी कोई भी अगर बुक करेगा ना तो मुझे डायरेक्ट कॉल करेगा, पोर्टर बुक नहीं करेगा। तो ये पहला वाला कस्टमर था। तो अभी चलते हैं गाइस पिकअप लोकेशन पे फटाफट, वहाँ जाने के बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया और बहुत मुश्किल से मिला है, कहीं पे लिखा भी नहीं है EL33 लोकेशन का नाम है। फटाफट से अभी चलते हैं देखते क्या है सामान। तो गाइस फाइनली मैंने पिकअप उठा लिया हूँ जो कि पवई लेके जाना है अपने को, और 234 की ट्रिप है। ये पार्सल है, इसके अंदर तराजू है, वजन का कांटा है, इसको मैंने पैक करके थैली में डाल दिया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। और इधर पे थोड़ा सा खाना है, लंच का आइटम है, इसको भी लेके जाना है। तो फटाफट चलते हैं गाइस। और इसी बीच में मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है क्या आपको, कि मैं वीफास्ट भी अगर मिल जाएगा ना मुझे तो मैं वीफास्ट भी उठाने का सोच रहा हूँ। देखते हैं अगर कोई मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। एक दिखा रहा है ये खार वेस्ट का है, लेकिन अपने को खार वेस्ट नहीं जाना है, 184 का है। देखते हैं अगर कोई और दूसरी ट्रिप आती है तो मैं आपको बताता हूँ। और हाँ गाइस एक और बात, जैसे कि बारिश अगर आती है ना तो मुझे ना डबल ट्रिपल उठाने के लिए नहीं जमता है। तो आगे गाड़ी लगानी है, ठीक है ठीक है, लगा ले भाई रुक जा। तो मुझे इसके लिए मन नहीं करता है विपास उठाने का, इसके लिए मैं वो सिंगल सिंगल ही मारा। अगर देखता हूँ अगर कुछ मिलता है अभी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लेके निकल जाएंगे इसको। सो गाइस विपास का जो है पार्सल खींच खींच के देख रहा हूँ, बस कोई भी अपने नियर बाय कोई भी ऑर्डर नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ। बिकॉज ये पोर्टर का जो ऑर्डर था वो भी आने आते आते मेरे को बहुत टाइम लग गया, और पार्सल लेते लेते भी टाइम हो गया। तो अभी पार्सल तो ले लिया हो, तो फटाफट सोच रहा हूँ निकल जाऊँ। वीफास्ट का कोई भरोसा नहीं, आज कुछ ऑर्डर खास लग नहीं रहे, तो मैं निकल रहा हूँ गाइस। लास्ट टाइम आया था जब यहाँ से कम 650 का ऑर्डर लेके गया था, और 390 रुपये का एक पोर्टर लेके गया था, और एक 200 रुपये का एक वीफास्ट, और एक 150 रुपये का एक और वीफास्ट लेके गया था। मतलब टोटल 3 ऑर्डर लेके गया था यहाँ से जो कि 600-650 के आसपास में थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, पोर्टर का तो हम लोगों ने एक छोटा ऑर्डर उठा लिया है, वीफास्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ निकल जाने का, फटाफट चलते हैं सीधा, मैं आपको मिलता हूँ पवई में। तो गाइस पार्सल लेके मैं पहुँच गया हूँ हीरानंदानी गैलेरिया मॉल। कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर को देंगे पार्सल और उसके बाद में निकलते हैं हम लोग दूसरी ट्रिप पे। पार्सल अपने ही पास है, अपना पार्सल डिलीवर हो गया है, जस्ट एक बंदे ने लेके गया अभी, ठीक है। और ट्रिप को भी हम लोग कर देते हैं अभी एंड, लेकिन अभी तक अपने को पेमेंट नहीं मिला है तो हम लोग थोड़ा देर रुकेंगे। तो गाइस जैसे ही पेमेंट मिलता है अपने को हम लोग ट्रिप को करेंगे एंड, और उसके बाद निकलेंगे हम लोग कोई नेक्स्ट ट्रिप पे। बिकॉज अभी बहुत टाइम है, 4:30 बज रहा है, 3-4 घंटा है अपने पास, देखते 2-3 ट्रिप और मार सकते हैं हम लोग। पेमेंट भी आ गया अपने को, ट्रिप को एंड कर देते हैं। सो गाइस पेमेंट आ गया अपने को, तो ट्रिप को हम लोग फटफट करते हैं। 234 कलेक्टेड, 3 ही स्टार दूंगा इसको, और देखते हैं अभी कोई अच्छी ट्रिप आती है तो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस एक ट्रिप आई अपने को 275 रुपये की है, जो कि चांदीवली पवई से है, और अभी फ़िलहाल मैं हीरानंदानी में हूँ, और अपने को लेके जाना है भाईकल्ला में लेके जाना है इसको। और उसके बाद में जो पिकअप लोकेशन है वो थोड़ा दूर है, 3.5 किलोमीटर दूर है, 14 मिनट का रास्ता है गाइस। ऐसा लग रहा है गाइस पोर्टर वाला अपने से जो है दुश्मनी निकाल रहा है, बहुत दूर दूर के ऑर्डर दे रहा है अपने को, नज़दीक का कोई ऑर्डर दे नहीं रहा है। एक बार कस्टमर से ही बात कर लेता हूँ और उसको बोल देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ भाई करके। हेलो, हाँ पोर्टर से बात कर रहा हूँ सर, ये अपना खैरानी रोड से अपना भाईकल्ला जाना है ना, और ये खैरानी में कहाँ पे आना है, कौन सी गली है? हरी मस्जिद, ये अपना हरी मस्जिद में किधर आना है, कहाँ तक आना है? KGN
हाँ केजीएन, हाँ ठीक है, वो राइट साइड में है ना केजीएन। हाँ, और सामान क्या है सर? चलो ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। कस्टमर से बात हो गई है, कस्टमर बोल रहा है कुछ खाना है, लंच है, तो फटाफट चलते और नवी मुंबई का साइड भी घूम के आ गए हम लोग आज, और थाने साइड भी घूम के आ गए। तो अभी क्या बचा है अपना? मुंबई साइड बचा है, मतलब मस्जिद बंदर बाइकला साइड बचा है, तो वहाँ पे भी घूम के आ जाते, तो फटाफट चलते और वो वाला राउंड भी मार के आ जाते। रिफर्स भी चेक करूँ, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर गाइस आज मेरा तो मूड नहीं। बारिश में मेरे को ना 2 से 3 ऑर्डर उठाने का मन ही नहीं करता है, सिर्फ एक एक ही मारता हूँ मैं, कोटर ही मारता हूँ बस, रिफर्स को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। बारिश में मेरा दिमाग एकदम काम नहीं करता है, चिड़चिड़ापन होता है मेरे को, क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा होता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ सिंगल सिंगल मारता हूँ, कोटर ही मारता हूँ। चलते हैं गाइस फटाफट पिकअप लोकेशन पे और देखते हैं हम लोग को क्या देखने के लिए। तो गाइस पार्सल मैंने उठा लिया हूँ, ये कुछ खाने पीने का आइटम है, 2 बॉक्स, एक छोटा ये भी बॉक्स है, एक नीचे वाला एक बॉक्स, 2 बॉक्स, हल्के हल्के, ज़्यादा वेट नहीं है। इसको लेके जाना है अपने को बाइकला में, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर दिखा रहा है और 55 मिनट का रास्ता है गाइस। तो हम लोग जो है ये वाला रास्ता मार के जाने वाले, ठीक है। और गाइस ये 2 बॉक्स है, तो मैंने उसको बोला, एक्चुअली ये एड्रेस देखा मैंने, कस्टमर का एड्रेस लिखा हुआ है, फ्लैट नंबर जो भी है, बिल्डिंग। मैंने बोला सर ये 2 पार्सल मैं कैसे लेके जाऊंगा? हाँ आप ही खुद ही सोचो ना सर, मतलब अगर समझ लो एक पार्सल रहेगा तो वो मैं लेके पहुंच भी जाऊंगा घर तक का, बट 2 है तो वो 2 कैसे लेके जाऊंगा? बता रहे यार, चलो यार कुछ ले लो। तो उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने 50 रुपये निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया और बोलता है भाई छोड़ देना घर तक छोड़ देना। मैं भी बोला यार कुछ बोला नहीं, मैं उसको बोलता रहे यार 50 रुपये में कुछ होता है क्या, लेकिन मैं बोला वटा जान दे छोड़। बंदा कुछ सामने से दिल से दे दिया तो फिर मैंने भी कुछ बोला नहीं और फिर उसके बाद लेके निकल गया। देखते अभी वहाँ जाने के बाद में कैसे हम लोग पहुँचाते, एक एक करके और लिस्ट में डालेंगे और उसके बाद में लिस्ट से निकाल के घर पर छोड़ देंगे, उसमें क्या है, ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है। अपने को चल के थोड़ी ना जाना है गाइस अपने को, है ना। तो यहाँ से चलते फटाफट करते हैं ड्रॉप, और मैं ये विफास नहीं मार रहा हूँ, डायरेक्ट जा रहा हूँ। बारिश में मेरे को किस किस में मज़ा नहीं आता है 2-2, 3-3 साथ में मारने के लिए, ठीक है। चलते फटाफट, सीधा मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट। जो ये अपना पार्सल था रुस्तम जी में, मैं पहुँच गया हूँ पार्सल लेके, यहीं देना है अपने को, फटाफट चलते। और नसीब की बात ये है गाइस कि ये बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है और फिलहाल मुझे ग्राउंड फ्लोर पर ही देना है, अगर ऊपर जाके देना रहता तो शॉर्ट हो जाता था। 1924 की बिल्डिंग है लगता है, अंग्रेज़ों ने बनाया लगता। तो गाइस पार्सल डिलीवर करने के बाद में मैं ट्रिप को करने जा रहा हूँ एंड, और पेमेंट तो अपने को पेड था तो कोई कलेक्ट नहीं करना था। 275 की ट्रिप थी, कैश कलेक्शन 0, 50 रुपये कस्टमर ने एक्स्ट्रा दिया, इसको 5 स्टार देके क्लोज करेंगे और देखते हैं यहाँ से कौन सी ट्रिप आती है। और आज की अपनी अर्निंग हो गई है 950, मतलब 1000 रुपये में सिर्फ 13 रुपया कम। सो गाइस नवी मुंबई का ऑर्डर आ रहा है। तो गाइस मैं नवी मुंबई घूम के आ गया, थाने घूम के आ गया और अभी मुंबई साइड में हूँ, मस्जिद बंदर साइड में हूँ, ये भी रूट घूम लिया। तो अभी मैं वापस से नहीं जाना चाहता हूँ नवी मुंबई, बिकॉज़ वहाँ से ये टाइम पे कोई भाड़ा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि अपने घर के आसपास का ही कोई भाड़ा मिले, रिफास लेके निकल जाऊँगा। अभी चलते बाहर बैठते, ऑर्डर का वेट करते, फिलहाल तो बारिश नहीं है। सो फाइनली गाइस अपने को एक ऑर्डर आ गया है, 289 का ऑर्डर है, जो कि परेल से अपने को पिकअप करना है, और ड्रॉप जो इसका है पवई, देखते हैं अभी कहाँ पे, LNT लिखा तो है। पिकअप लोकेशन थोड़ा सा दूर दिखा रहा है, मतलब दूर भी रहेगा चलेगा गाइस, क्योंकि ना गाइस ये अपने घर का ऑर्डर है तो अपने को एनी हाउ अपने को इसको पिकअप करना ही। तो आपको मैं पिकअप लोकेशन बता देता हूँ, कुछ 3-3.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, 13 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। एक बार कस्टमर से ही बात कर लेते हैं और ये घुमा के दिखा रहा है, एक्चुअली हम लोग यहाँ से ही जाएंगे, ठीक है। हेलो, हाँ पोर्टर से बात कर रहा हूँ सर, ये लोअर परेल से अपना पवई लेके जाना है ना आपका पार्सल, लोअर परेल से पवई लेके जाना है ना पार्सल, ठीक है सर, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ आपके लोकेशन पे, ठीक है। हाँ लोकेशन पे मैं ट्रैक करके पहुँच जाऊँगा, मैं लोधा एक्सप्रेस जो लिखा है ना आपने उस पर, ओके। कस्टमर से बात तो हो गई, उसको बता दिया कि मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बट कस्टमर को मैंने ये नहीं बोला कि सामान क्या है, क्योंकि अपने को ना गाइस ये कैसे भी करके लेके ही जाना है, घर का ऑर्डर है, अपने को छोड़ नहीं सकते, अगर वजन रहेगा हैवी रहेगा अपने को लेके जाना है एनी हाउ, ठीक है। चलते हैं गाइस फटाफट और देखते हैं पार्सल में क्या है, उसके बाद में अगर अपने को व्यू पास मिला तो ठीक, नहीं तो हम लोग इसी को लेके निकल जाएंगे, ये अपना लास्ट ऑर्डर रहेगा, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद में मैं आपको बताता हूँ सामान क्या है। गाइस जो ये अपना ऑर्डर है घर का, वो पिकअप लोकेशन पर मैं पहुँच गया हूँ, कस्टमर ने बोला है कि यहीं पर रुको मैं आ रहा हूँ, और साथ में गाइस
बीफास्ट का भी एक पार्सल आया है, ये साकिना का ऑर्डर है, लेकिन ना मैं इसको उठा नहीं रहा हूँ। इसमें एक रीज़न है, क्योंकि इसका जो पिकअप लोकेशन है ना वो थोड़ा सा लंबा है। मैं जहाँ पे हूँ फिलहाल 3.5 किलोमीटर दूर दिखा रहे हैं और 17 मिनट का रास्ता है। इस वजह से मतलब मुझे ना अभी मैं वेस्ट में हूँ ना, मुझे ईस्ट में जाना पड़ेगा और अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ ना उठाऊँ। अगर कोई नियर बाय अपने को मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पार्सल लेके ही निकल जाऊँगा जो पोर्टर का पार्सल है। बाकी कुछ है नहीं वैसे तो, फिलहाल कुछ रहेगा तो मैं आपको बताता हूँ, पार्सल आने के बाद बताता हूँ। तो गाइस जो अपने घर का जो ऑर्डर था वो मैंने पार्सल उठा लिया हूँ। ये डब्बा है, इसके अंदर है ना कुछ पेन ड्राइव या कुछ तो भी कंप्यूटर का आइटम है, तो इसको ही लेके जाना है। जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट अपने को जो लोकेशन दिखा रहा है ना अपने घर के आसपास का, वो है 19 किलोमीटर दूर, 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। और इसमें भी क्या है ना, एक प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम ये हो गई थी ना गाइस, कस्टमर ने जो है कुछ और लोकेशन डाल दिया था और फिर मैंने बोला कि भाई ये तो रॉन्ग गलत एड्रेस, तो उसने क्या किया, ठीक है मैं एक काम करता हूँ दूसरा लोकेशन डाल देता हूँ। तो उसने मल्टी ऐड करके उसने क्लिक करके दूसरा एड्रेस डाल दिया, तो उसका उसको एक्स्ट्रा चार्जेस लग गया। कस्टमर को तो मैंने बोला था कि एक काम कर भाई, इसको ऑर्डर को कैंसिल कर, मैं डायरेक्ट लेके चले जाता हूँ। बट कस्टमर बोलता है नहीं भाई कंपनी का है ये वो है। मैंने बोला चल ठीक है, तू इस तरह से नहीं आ रहा तो तुझे उस तरह से लूँगा। मैं बोला तू मल्टीपल ऐड कर ऑर्डर, मल्टीपल ऐड किया अगले ने, पैसा उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए। तो अभी ड्रॉप करने के बाद में पता चलेगा, पहले 289 था और अभी ड्रॉप करने के बाद में देखते कितना रुपया होता है, जो भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ, पहले वहाँ चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पवई L&T पहुँच गए, तो ड्रॉप लोकेशन पे खड़ा हूँ, कस्टमर से बात हो गई, 2 मिनट में आ रहे हैं। जैसे ही कस्टमर आएगा पेमेंट लेंगे और उसके बाद में निकलेंगे हम लोग घर के लिए। उससे पहले मैं आपको अपनी अर्निंग भी शो कर दूँगा, कस्टमर का कॉल आ रहा बात कर लेता। गाइस अपना जो पार्सल है वहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है और अपने को पेमेंट भी आ गया है। ट्रिप को हम लोग फटाफट से कर देते हैं एंड, 336 का पेमेंट आ गया और ऑफलाइन हो जाते और नहीं तो फिर कोई और ट्रिप आ जाएगी। अब मैं आपको अर्निंग बताता हूँ बाहर चल के, बिकॉज मैं अभी ऑफिस में हूँ। सो गाइस पार्सल मैंने ड्रॉप कर दिया वहाँ पे और अभी मैं आपको अर्निंग शो करता हूँ अपनी, उसके बाद में निकलते हैं हम लोग घर पे। घर अपना यहाँ से बाजू में ही, अभी मैं साकी विहार रोड पे हूँ, चांदीवली में ही हूँ, तो यहाँ से अपन 5 मिनट की दूरी पे अपना घर है। फटाफट से अर्निंग शो करता हूँ, उसके बाद में निकलते हैं हम लोग घर पे। सो गाइस 6 ट्रिप मारे थे हम लोगों ने आज और 8.5 घंटा ऑनलाइन थे। बड़ी बड़ी ट्रिप मारे सब, देखो 200, 200, 186, 200, 200, सिर्फ एक छोटी ट्रिप मारे थे 113 रुपये की, ठीक है। बाकी सब अपनी बड़ी बड़ी ट्रिप थी आज की और टाइम भी हो गया, 9 बज गए और 1272 की अपनी अर्निंग भी है और एक कस्टमर ने अपने को 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया था, तो टोटल हो गया 1272 प्लस 50 रुपये, 1322 रुपये अपना आज का अर्निंग हो गई। और इस बीच में अपना जो पेट्रोल ख़त्म हुआ है, मतलब यूज़ हुआ है, 500 का पेट्रोल डाला था, एक कांडी बची हुई है, मतलब समझ लो 350 से 400 का पेट्रोल आज अपना ख़त्म हुआ है। और जैसे कि आपको भी मालूम है गाइस, अपना जो पिकअप लोकेशन है बहुत दूर दूर का आया था, तो उसकी वजह से अपना आज का ज़्यादा खर्चा हुआ है, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ हुआ है। और हम लोगों ने वीफास्ट भी नहीं मारा, अगर हम लोग एकाध वीफास्ट भी मारते साथ साथ में तो अपनी थोड़ी और अच्छी सी अर्निंग हो जाती है। कोई बात नहीं गाइस, इतनी भी बहुत है माशाल्लाह। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, उससे पहले जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, अपने जितने भी डिलीवरी फ्रेंड सर्कल वाले दोस्त हैं उन सबको मेरा वीडियो शेयर करो, ठीक है। वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, अंगार, आफत, आतंक, मौत, जहर, जख्म, जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा रेड कलर का, उसको भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत डासू वीडियो के साथ में, जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल। और हाँ, दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, ऑलवेज के एक नंबर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाए गाइस, ताकि मेरी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए।